की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से ली गई वो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अयोध्या नगरी की छटा देखते ही बनती है, राम मंदिर की भव्यता देखते ही बनती खास है। बात ये मीनाक्षी, ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर से ही रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। ये एरियल व्यू है अयोध्या का, ये एरियल व्यू है अयोध्या का, अयोध्या में राम मंदिर का। देवेंद्र, कितने उत्सुक है प्रधानमंत्री, इस वीडियो से साफ झलकता है हेलीकॉप्टर से ही एक वीडियो शूट किया गया जिसमें क्या भव्य राम मंदिर विराजमान नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया टीवी अभी जो वीडियो दिखा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी हेलीकॉप्टर का वीडियो है जिसमें ऊपर से कैसा, मतलब विहंगम दृश्य जो कहते हैं कि ऊपर से दृश्य कैसा नजर आ रहा है राम मंदिर का, अयोध्या का, इस पूरे तीर्थ क्षेत्र का, उस तस्वीर को लिया गया है। और समझा जा सकता है, जैसे कि मैं पहले बार बार कह रहा था कि आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना भावनात्मक तौर पर बड़ा क्षण होगा कि जिस सपने को लेके 5 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में स्वयंसेवक से लेके और देश के प्रधानमंत्री तक जो सपना उन्होंने देखा, आज वो सपना इतने शानदार तरीके से अगर चरितार्थ हो रहा हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भावनात्मक वाल है वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर रहा होगा। और ये तस्वीरें, ये उत्साह उसी रूप में बता रहा है। और इस उत्साह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में फैला रखा है। लगभग 55 देशों में आज हर एक जगह पे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, चाहे सोशल मीडिया के मार्फत हो, टेलीविजन के मार्फत हो या अन्य तरीकों से, उसे वो देखकर अपने आप को एक तरह से सहभागी मान रहे हैं इस कार्यक्रम में, मानो वो खुद भी मौजूद हों। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद यहाँ पर आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि वो संदेश कितना बड़ा है। और वही एक वानगी दिख रही है कि आसमान से, और एक तरह से आसमान से ये जो तस्वीर है प्राची, कहा जा सकता है कि वो एक संदेश भी उसी रूप में है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि राम मंदिर जब बनेगा तो ये हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा और सबके साथ न्याय का प्रतीक होगा। तो राष्ट्रीय एकता और न्याय का प्रतीक आज बनकर तैयार हो चुका है और पहला जो चरण है इसका बनकर तैयार हो चुका है, उसमें मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब बस आपसे कुछ समय का इंतजार और उस अभिजीत काल का जो मुहूर्त है उस अभिजीत काल में ठीक प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमें पुजारियों ने यह बताया था कि कुछ कर्मकांड ऐसे होंगे जैसे आंखों में काजल लगाना या इस तरह की चीज़ें, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कराई जानी है। तो कुल मिलाकर पूरे विधि विधान के साथ इस अनुष्ठान को किया जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की एक तरह से नजरें टिकी हुई है। और जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि विधि की बात कर दी है तो जो विधि है उसी का देवेंद्र ये विधान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शुभ और इस पुनीत कार्य के लिए एक निमित्त प्रभु श्री राम ने ही चुना है। और आपने जिस विधि विधान का जिक्र किया, प्रतिमा के यानी राम जी के विग्रह के किनारे यानी साइड में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रामलला की आंखों पर से पट्टी हटाएंगे, सोने की सलाई से उनके आंखों में वो काजल लगाएंगे और फिर काजल लगाने के बाद प्रभु श्री राम खुद दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे और उसके बाद पूरी जनता को, अगर हम ये कहें कि प्रभु श्री राम के दर्शन जो दुर्लभ थे भव्य राम मंदिर में, वो भी सुलभ हो जाएंगे। और इस तस्वीर की बात जो आप कह रहे थे ना देवेंद्र, जो कि एकता का प्रतीक दिखाई देती है, सनातन का प्रतीक दिखाई देती है, मुझे ये स्मार्ट सिटी का भी प्रतीक दिखाई देती है। देवेंद्र, एक शहर का विकास होना स्मार्ट सिटी के लिए, उसकी सड़कों का चौड़ा होना, वहां पर रोजगार का सृजित होना, वहां पर ऐसे ऐसे अगर हम ये कहें ट्रैवल के लिए माध्यम होना, वो बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कभी अयोध्या में आएगा ये कभी सोचा नहीं था, ऐसी स्मार्ट सिटी अयोध्या बन गई है। देखिए, अगर उसको एक उदाहरण के तौर पर समझाना हो किसी को तो उस एक स्पेसिफिक उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है कि केदारनाथ पुनर्निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ परियोजना में जिस प्रकार की दिलचस्पी दिखाई, खुद भी गए, तो उससे पहले जो औसतन साल में 5 लाख वहाँ पर टूरिस्ट या तीर्थयात्री जाते थे, अब वो आंकड़ा 50 लाख पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगाएं कि कहां 5 लाख कहां 50 लाख। तो ये होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केल जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते, बहुत लोगों को ये लगता है और उसमें वो खासतौर पे राजनीतिक चश्मे से जो लोग देखते हैं उस पर राजनीतिक टिप्पणियां करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्केल है वो एकदम से अलग सोच के तहत निर्भर करता है। और जैसा कि मैंने सिर्फ एक उदाहरण पर बताया आपको, और ऐसे उदाहरण आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ही बात कर लें तो इस कॉरिडोर बनने के बाद
वाराणसी में जो फुटफॉल है पहले के तुलना में 7 to 10 times ज़्यादा हो गया है। आप सोचें कि इससे ओवरऑल इकोनॉमी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जम्मू कश्मीर का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से तकरीबन 2 crore टूरिस्ट इस साल गए थे, और उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ की इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही सांस्कृतिक विरासत को सीधे सीधे डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, और उसका बड़ा फायदा इस रूप में होता है कि एक तो आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है, और दूसरा अगर आपके अंदर हर व्यक्ति के अंदर अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर गौरव आएगा तो अपने आप में ओवरऑल में पूरे देश में वो गौरव आएगा, और कोई भी गौरवशाली देश कितना विकसित कर सकता है ये बहुत आसान। यानी आप अपनी परंपराओं को समेटेंगे ही नहीं बल्कि आप एक विकसित देश के तौर पर भी पूरी दुनिया के सामने रहेंगे। और जब आप विकसित देश की बात करते हैं तो योगदान आपके हर छोटे बड़े शहर का होगा। इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो एरियल व्यू आप देख रहे हैं इस भव्य और दिव्य राम मंदिर का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हेलीकॉप्टर में से शूट किया है। अब अंदाजा लगाइए, एक राम भक्त के तौर पर जितनी कठिन तपस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जब वो कठिन तपस्या पूरी हो रही है, जब वो संकल्प पूरा हो रहा है, तो एक राम भक्त का जो मन है वो कितना